ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣ। इस तो इलावा बर्खास्त किए गए दो अधिकारियों की जांच बारे ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि जांच पूरी होने तो बाद रिपोर्ट श्री अकाल तख्त साहिब नूं सौंप दी जाए। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान जाने वाले सिख श्रद्धालुओं के जथे बारे भी गल की है। उन्होंने कहा है कि इस जथे नूं रोक के सिख आस्था नूं सट नहीं मारनी चाहिए। किसान अंदोलन नूं लैके ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने गल की है। बीजेपी विधायक अरुण नारंग नाल हुई कुटमार नूं उन्होंने मंदभागा दस्सिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके दी घटना नाल किसान अंदोलन कमजोर हो जाएगा। चीफ खालसा दीवान नूं हदायत की जाती है कि पिछले समय संविधान में सोध करने के नाम से श्री अकाल तख्त साहब की सरप्रस्ती खत्म की सी, उस मत नूं सर्वसम्मति नाल मुड़ शामिल किया जाए। चीफ खालसा दीवान के मैंबर सरदार सतनाम सिंह मुंबई ते सरदार अवतार सिंह दी मैंबरशिप जिहड़ी है रद्द की है। क्यों रद्द की, उहदा स्पष्टीकरण जिहड़ा है वह हफ्ते के अंदर अंदर भेजा जाए ते दो दिन के अंदर अंदर ही ऊड़ा फार्म जमे करवाए जाण। ही श्री अकाल तख्त साहब वालों मिति 30/6/2020 नवे मैंबर बनने ते रोक लाई सी। इहदे बावजूद नवे मैंबर शामिल करन बारे जिहड़ी शिकायत पुजी है उहदा स्पष्टीकरण दिता जाए। ये अज की मीटिंग फैसला होया जी। दो महीने तो बाद किसी भी समय दीवान के सारे मैंबरों को श्री अकाल तख्त साहब के सन्मुख हाजिर करके पूछगिछ की जा सके। अमृत नहीं छकिया, अमृत छक लैन, जे ढड़ियाई है तो सुधाई करवा लैन। तो दो महीने बाद किसी भी समय रिपोर्ट भी अज बचा गया और मैंबरों बुलाया गया सी। मैंबर ते अहुदेदारां दी जिहड़ी अज जवाब तलबी की है, काफ़ी सारे उन्होंने तो सवालों के उत्तर लए है और उत्तर लैण तो बाद ही जिहड़ी है ये सानू जिहड़ा है पता लग्या कि कुछ मैंबर हन जिन्हां ने अमृत नहीं छकिया, कुछ मैंबर रहत दे विच ढलियाई भी कर रहे हैं और कई मैंबर जिहड़े है वह पंज ककारां तो भी रहत हैगे। जवाब तलपी इस पक्षों हुई है कि दो साल हो गए असीं इक्को चीज पुछ रहे हैं कि तुहाडे किन्ने मैंबर अमृतधारी है ते किन्ने गैर अमृतधारी, सानू इहो ही नहीं दस्या जा रहा दो साल तो। इसे करके अज थोड़ा जा उन्हां तो असीं जिहड़ी आ पुछ के दो दिन के अंदर अंदर कहिंदे असीं दे दिंदे आ। देखो ये तो जत्था प्रोटोकॉल के तहत ही जाता है, हर साल चार जत्थे जाते हैं तो ये रोक का सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही रोक होनी चाहिए। सरकार की बदनीति है जो इस तरह का बहाना लाई है, अदरवाइज ये रोकने की कोई तुक नहीं बनती जी। हाँ जी बस यही हुई, बाकी होला मोहला पुलिस वालों सिखों के उत्ते। देखो मैं कहना चाहना है कि भारत जिहड़ा ना जी ये जोड़ मेलों का तिथा त्यौहारों का, इन जोड़ मेलों तिथा त्यौहारों लोगों की जिथे आस्था जुड़ी है उत्थे कई लोगों के रुजगार का भी वसीला है। सरकार कोरोना दौर के दोहरे मापदंड अपना रही है, जिथे एक पासे इलैक्शन वाले राज्यों च जिहड़ा रैलियां करन दी खुल है, अंदोलन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो अजिहे मौके जो दोहरे मापदंड सरकार वल्लों सामने आउंदे है तो लोगों के रोह की भावना का प्रगट हो जाना जिहड़ा वह सुभाविक है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुकिया कि ये जिहड़े साडे तिथ त्यौहार जोड़ मेले है ये कईआं दे रुजगार दे नाल भी जुड़े हुए हैं, चाहे वह हिंदुओं के ने, चाहे साडे सिखां दे ने, चाहे जैनियां दे ने, चाहे बोधियां दे ने, चाहे मुसलमानां दे ने। तो जो सरकार जी एक तरफ खुल दें तो एक तरफ जी रोक लाई है तो लोग मन के रोह का पैदा होना जोड़ा सुभाविक है। तो मेरे ख्याल हजूर साहब की धरती के उत्ते रोह जोड़ा है पैदा होया, तो जज्बाती होकर नौजवानों ने जोड़ा कुछ किया है कि सरकार को जोड़ा है वह फरॉक दिल्ली दिखाते हैं, बहुत ही सख्ती नौजवान से नहीं करनी चाहिए, परचे जोड़े रद्द करने चाहिए क्योंकि वह सारा कुछ लंबे समय तो जो बंद आ रहा है, सरकार के दोहरे मापदंड जोड़े आ वो सामने आ रहे हैं, तो ट्रेना चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, तो कितना कितने रोह पैदा होता है तो उस रोह का प्रगटावा है। सरकार को ये बारे संवेदनशीलता तो कम लेना चाहिए महाराष्ट्र सरकार और
ਵੱਡਾ ਫਰਾਕ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਥ ਤਿਉਹਾਰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਪੇਚੀਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਮਰ ਜੂਗਾ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਖਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਨ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਨ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਿੱਥ ਤਿਉਹਾਰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇਣ ਤਿਉਹਾਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।